तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने दिखाया हुआ है, इसकी जो साइड है ना, यहाँ पे ए पकड़ लेते हैं और इसके अंदर मैंने एक इन सर्कल बनाया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा इन सर्कल और इसको मैं नाम देता हूँ ए, ये हो जाएगा बी और इसको मैंने नाम दे दिया सी। अभी इसका जो सेंटर है ना, ये हमारा हो जाएगा ओ। तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, और यहाँ से जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ना, ये इसको मैंने नाम दे दिया आर, और एक आर हमारा ये हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी दे देंगे और एक आर हमारा ये हो जाएगा। तो अभी इन सर्कल वाले सर्कल की अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त? यहाँ पे हमको इसकी रेडियस चाहिए होगी। ऐसे ही जो हमारा सर्कम सर्कल बन रहा है, इसका भी अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो इसकी भी रेडियस हमको चाहिए होगी। तो यहाँ से ही मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसके सेंटर को, और इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ और ये भी मैंने अभी ज्वाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ से देखो जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। तो इसकी भी जो है ना रेडियस हमको चाहिए होगी, तो इसकी रेडियस भी हम आर पकड़ लेते हैं यहाँ से। ओके, और इसकी भी साइड हमारी सेम रहेगी, जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो हमारा सेम है और ये भी हमारा ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो आई होप दोस्त आपको इतनी बात पकड़ में आ गई होगी। तो अभी इस वाले सर्कल की रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी आसान है। देखो, एक तो हम इसमें लॉन्ग मेथड से निकाल सकते हैं, बाद में हम इसको लर्न करके रख लेंगे कि जो हमारा इन सर्कल बनता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर उसकी रेडियस हमारी क्या रहती है बेसिकली। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो हमारा ट्राइंगल है ना ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका जो हमारा एरिया होगा वो होगा √3/4 साइड का स्क्वायर, मीन्स ए का स्क्वायर। और ये देखो इसके इक्वल होगा जो हमारे तीन छोटे छोटे ये ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है ए ओ सी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इसकी भी साइड हमारी ए होगी, और एक ये बन रहा है बी ओ सी, ये वाला ट्राइंगल। आई होप आपको ये चीज़ दिख रही होगी। और एक ये बन रहा है ए ओ बी। तो यहाँ से जो हमारे तीन ट्राइंगल बन रहे हैं, इन तीनों का अगर हम एरिया निकालें, ये होगा 1/2। बेस देखो सबका सेम है और हाइट भी सबकी सेम है, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हो जाएगी हाइट। तो तीनों हमारे सेम है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये अभी क्या हो रहा है, देखो ये 2 से ना ये 4 जा रहा है, 2 जा, और इस ए से इसकी पावर कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ से हमको मिल रहा है √3a/2। और जो ये वाला 3 है ना, ये भी इसके डिवाइड में आ जाएगा इधर, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये आर। तो अभी इस 3 को ना आप नीचे पकड़ सकते हो √3 × √3, दो बार आपने √3 इसको पकड़ लिया और ये 2, और ऊपर हमारा आ रहा है √3 × a = r। तो यहाँ से देखो एक √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जो r है ना ये आ जाएगा a/2√3। तो कहने का मतलब है दोस्त, जो हमारा इन सर्कल बनता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, उसकी रेडियस होती है a/2√3। तो आप इसको ना लर्न करके रख लें, क्योंकि भैया टर्म वन का एग्ज़ाम है तो उसमें आप इतना सब इतना लेंथी आप कैलकुलेशन करके नहीं बैठोगे वहाँ। तो आप इसको लर्न करके रख लो कि जो हमारा इन सर्कल बनता है उसकी हमारी रेडियस होती है a/2√3, और जो ये वाला बन रहा है ना सर्कम सर्कल, इसकी रेडियस क्या होगी? देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल होता है उसका जो हमारा सेंट्रॉइड रहता है, बेसिकली सेंट्रॉइड ये हो गया हमारा ओ बी या ओ सी या ए ओ, ये तीनों इक्वल होंगे और यहीं से हमको इस सर्कल की रेडियस मिलेगी। तो ये जो हमारा सेंट्रॉइड होगा ये हमारा होता है फ्रेंड्स a/√3। तो ऐसे हम इसको याद करके रख लेंगे लर्न करके, नहीं तो इसको आप निकाल भी सकते हो। ये वाले एंगल को आप 30 ले लोगे और इस वाले ट्राइंगल में जो ये वाला बन रहा है ये हमारा a/2 हो जाएगा, जो ये bm है ये a/2 हो जाएगा, और यहाँ से देखो जो cos 30 होगा ना वो आ जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस और हाइपोटेनियस हो गया आपका ये। तो यहाँ से आ जाएगा √3/2 × a/2 × a। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका रेडियस, ये आ जाएगा a/√3। तो यही मैंने आपको अभी बताया था कि इसका जो सेंट्रोइड रहता है वो a/√3 रहता है। अभी हमने दोनों के एरिया का ना रेशियो कर देना है, इस वाले का एरिया निकाल लेंगे, ये हो जाएगा π r² π, और ये इसका r है देखो, ये आ जाएगा a² और 2 का स्क्वायर हमको यहाँ पे 4 मिल रहा है और √3 का स्क्वायर 3 मिल रहा है, ये आ गया। और सेम यहाँ पे भी उसका निकाल लेंगे, ये आ जाएगा पाई और इसकी रेडियस है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा a² और अपॉन में √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3।
तो यहाँ से देखो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जा रहा है, यहाँ से थ्री जा रहा है, ये हमको पकड़ में आ रहा है 1/4, या हम इसको बोले 1:4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना दोस्त, ये हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।